एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशे कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। मोदी सरकार के दो बड़े फैसले, गांव-गांव सभी गरीब परिवारों को पैसा। इसके अलावा भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो अब तक आपको 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिया जाता है, अभी आपको 4 किस्तों में 8,000 रुपये मिलते हुए देखने को मिलेगा। साथियों, आज की जितनी भी प्रिंटिंग मीडिया है उसने प्रमुखता से इसको प्रकाशित करने का काम किया है। साथियों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजनाओं, भारत के अंदर मोदी सरकार छोटा बड़ा आदेशों, नए नियमों, योजनाओं बदलाओ या कुछ भी ऐसा भारत के अंदर मोदी सरकार के जिसका लेना देना आपसे है, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना का बाहर कब चला गया, यह आदेश का बाहर कब चला गया, इस योजना का फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस योजना का पैसा कब जारी हुआ, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। हाथ जोड़कर एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब की अपील करते हैं। ये एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है, दिखो सला हिम्मत ताकत प्रेरणा देता है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं भाई आयर बोलर चले लिख रही, नहीं भाई तथ्य भी दिखाता हूँ। अब चलते हैं सीधा मुद्दे पर। भाई ये देखो भाई, प्रधानमंत्री किसान, इसको समझना ढंग से समझना जब मैं समझाऊंगा आपको। प्रधानमंत्री किसान सालाना 8,000 रुपये मिल सकती है आपकी किस्त, और न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना में भाई पैसा बढ़ाया जाएगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जब ये मनरेगा या नरेगा आया था, पूरी दुनिया में इसकी बड़ी प्रशंसा हुआ था। कांग्रेस यूपीए कार्यकाल के अंदर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका रहा था। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा। अब दोबारा से मोदी ने इस पर जो है ध्यान देना शुरू कर दिया है। साथियों, आगामी बजट में सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 8,000 रुपये देने का फैसला करने जा रही है। फिलहाल सालाना 6,000 रुपये दिया जाता है और ये 3 किस्तों में दिया जाता है। 3 किस्तों में साल में 12 महीने होते हैं, यानी 4 महीने में एक बार। अब आगे क्या होगा, 4 किस्तों में आपको ये मिलेगा, और साथ ही 4 किस्तों में ये मिलेगा 2,000, यानी प्रत्येक 3 महीने में 2,000 आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये साथियों, इसके साथ ही ये जो काम किया जाएगा, ये बजट, आगामी बजट। अब बजट को मैं समझा देता हूँ, बजट क्या है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है बजट। अगर आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो इसका होता है बड़ प्लस में गेट। गेट होता है प्राप्त करना, कितना आपने कमाया और कितना आपने प्राप्त किया, कहाँ कहाँ आप उसने कमाया, जो आपका कमाओगे कहाँ से, और उसे खर्च कहाँ करोगे। जिस तरह एक परिवार होता है, एक घर होता है, उसी तरह एक देश होता है। ठीक है, जैसे हम अपने घर का हिसाब किताब लगाते हैं कि भाई ये काम अगर हम घर में करें, हमारे पास इतना पैसा आएगा, इतना हम ये काम में लगा देंगे और दूसरे काम के लिए हमारे पास इतना बच जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये बजट होता है पूरे देश का। इसमें क्या होता है, सरकार पूरा लेखा जोखा करती है। कोई घोषणा करनी हो, कोई नया काम करना हो, कुछ भी करना हो, अब हम घर में कोई काम करते हैं, अचानक नहीं करते। हमें शादी करना है तो हम सोचते हैं यार अगले साल पैसे का जुगाड़ होगा, हम अगले साल शादी करेंगे। तो इसी तरह जो एक साल के लिए बजट आता है, एक साल के अंदर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कितना पैसा हमारे पास आएगा, हम कितना पैसा वसूलेंगे। भाई सरकार की जो इनकम होता है, मैं आपको बताऊँ, एक जो माचिस होता है, माचिस, ठीक है, आग जलाने वाला माचिस, जो मार्केट जो उससे चलता है, फैक्ट्री से चलता है, ये 30 पैसे में चलता है। ठीक है, इस पर फिर ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज आता है 10 पैसे, 40 हो गया। फिर इस पर वो दुकानदार जो है 30 पैसे, इस पर सरकार मार लेती है 70 हो गया। और भाई 10 पैसे इस पर जो थोक का रिटेलर होता है वो मार लेता है, और 10 पैसे इस पर जो है जो बेचता है इसको वो मार लेता है 100 पैसे, यानी 1 रुपये में आपको माचिस मिलता है। सरकार हर प्रोडक्ट पर लगभग जो है 25-30% कमाती है, घर बैठे कमाती है। अब उसको खर्च भी तो करता है, जैसे एक किसानों का पैसा दे दिया, रोड बनाने हो, चलो रोड से तो इनको लागत मिल ही जाता है, रोड बनाते हैं, टोल टैक्स लगा देते हैं, मिल जाता है। ठीक है, तो जो भी सरकार देती है ना, वो हमसे ही लिया जाता है। ठीक है, तो उसको हमारे पैसे को हम ही को ये देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सरकार दे रही, सरकार दे रही, हमारा पैसा होता है, टैक्स बढ़ा देते हैं, पेट्रोल जिस, अगर कांग्रेस सरकार जब उस थी उस समय जो है जितना रेट अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोल कच्चे तेल का है, उतना ही जो है दाम, फिलहाल इतना मंदी जो है तेल पर आ गई है, उस समय हमें इतने ही दाम, इतने में ही हम खरीद रहे थे विदेशों से तेल को, और हमको कितना मिल रहा था 65 या 70 में। आज हमको जो उतने में खरीद कर भी जो है 100 रुपये में मिल रहा है, ये कमाई कहाँ है, ये सरकार की कमाई है। ठीक है, तो भाई इस तरह होता है। तो बजट आपका जुलाई में हमारा आने जा रहा है, और बजट जो आएगा इसमें इसका प्रावधान कर दिया जाएगा। आज की प्रिंटिंग मीडिया ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है, 8,000 रुपये आपकी जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस्तें हो सकती हैं।
दूसरा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो नरेगा मजदूरी है, नरेगा जॉब कार्ड है, साथियों कम से भी कम 309 रुपए का इसके अंदर जो है न्यूनतम रखा जाएगा। अभी भी ऐसे कुछ प्रदेश हैं जहां 205 207 रुपए प्रतिदिन का जो है दिया जाता है नरेगा के तहत कार्य करने के लिए, ठीक है। तो वो पूरे देश में एक समान जो है ये लागू किया जाएगा। अभी तक सबसे सर्वाधिक जो पैसा दिया जाता है नरेगा के तहत वो हरियाणा प्रदेश के अंदर दिया जाता है। अब सभी प्रदेशों को एक समान किया जाएगा, सबके लिए एक वेतन की वो लागू किया जाएगा और साथियों कम से कम 309 रुपया जो है आपको ये देखने को मिल सकता है। साथियों ये दो बड़े बड़े तोहफे सरकार बजट के अंदर जुलाई में आपको देने जा रही है। बाकी क्या सस्ता होगा क्या महंगा वो सारी चीज़ों का हम डिस्प्लेन आपसे करेंगे जब बजट सत्र आएगा। जुलाई के अंदर जो है हमारा बजट सत्र आने वाला है। फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था, अब पूर्णकालिक बजट जो है अब पेश किया जाएगा। इसके अलावा भाई जो है ब्याज दरों में भी कटौती के जो है सरकार ने संकेत दिए हैं। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।